अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, रेगुलर व्लॉगिंग जो होती है मैं चैलेंज कर रहा था। कभी महीने हो गए, कभी गोल कपों वाला चैलेंज, कभी सिटी की नतनशुद चैलेंज, तो काफ़ी टाइम से मैं एक नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। आज का व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग है और आज आप लोग इस व्लॉग को इन्जॉय करो। टुडे इज फ्राइडे और आज मुझे जुमा पढ़ने जाना है और जुमा पढ़ने के लिए नहाना है पहले, और नहाने के लिए कपड़े निकालने हैं और कपड़े निकालने के लिए मुझे पहले उठना पड़ेगा। चल अभी आपको जुम्मे की नमाज के लिए हम फटाफट से रेडी होते हैं। ये शर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जुम्मे के लिए। लेट पहुंचने वाले हैं बस। फाइनली टाइम पे पहुंचे जुम्मा पढ़ने। जुम्मे की नमाज पढ़ ली है और मैं भी घर आ रहा हूँ। भाई साहब के चेहरे के ऊपर ग्लो, देखो ऐसा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मैं इस कार को ना डड्डू कार कहते हैं। जुम्मा भी पढ़ लिया, लेकिन जुम्मा भी एकदम एंड टाइम पे पहुंचा था। पहले जो उनसे इस तरह पब्लिक के लिए व्लॉग करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं है, तो आंखों में आंखें डाल के व्लॉग करते हैं। बोतल लेने के लिए, क्योंकि घर में मेहमान आए हैं इसलिए। क्यों ना तुम लोगों को आज मैं अपना सेटअप दिखाऊं। सेटअप एक एक चीज का बताऊं कि ऐसे काफी है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल देख लोगे मैंने लाइट के लिए ये जुगाड़ किया है, माइक है, स्टैंड है, इसके अलावा ये मेरे पास एक ट्राईपोर्ट है, एलसीडी है, पीसी है मेरा, यानी कि एक अच्छा सेटअप है। ये हेडफोन है। अगर आप लोग मेरे पूरे सेटअप की देखना चाहते हो और मेरी व्लॉगिंग के लिए देखना चाहते हो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर बता दो, एक उसका अलग से व्लॉग आएगा। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, एक चीज़ नहीं थी मेरे पास। मेरे पास सिर्फ है एक मोबाइल जो कि अभी मेरे हाथ में है, बस और कोई चीज़ नहीं थी। लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा, सिटिंग इन तशद्दुद चैलेंज भी, वल्ला यार ये बहुत ही टफ और बहुत ही मजे वाला व्लॉग था। इसके बाद जो फर्स्ट पे मैं उठा था, क्योंकि मैं इसलिए उठा था क्योंकि मैंने कैमरे सेट करने थे, हमारे दो कैमरे बीच में से बंद हो चुके थे। ये फिर उनके बाद मेरे बाद हैदर भाई उठ गया, हैदर के बाद फिर ये दोनों काफी टाइम तक बैठे थे। ये बंदा पैसे ना निकालने के लिए बैठा था, ये तो बैठ सकता था क्योंकि इसने लास्ट चैलेंज हारा हुआ था। खैर एंड में आगे ये बंदा जीता और इसको हारना पड़ा। ये देखो, ये चेहरा देखो, दिस इज मी, और अब मुझे देखो, यू नो काफी ज्यादा ना मेहनत हुई है। ये देखो मुंह देखो जरा, और अब मुझे देखो कि ये मैं ही हो गया। अगर कल पाकिस्तान मैच हार गया, अभी हम क्रिकेट खेलेंगे, यू नो मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने लगा हूँ। और मेरा क्रिकेट का भी व्लॉग आया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वाला व्लॉग जाके देख लो। जल्दी टेप करो, ये नई बॉल लेके आए हैं, अभी इसको टेप करते हैं। तो परसों जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे, तो आपका क्या इरादा है, क्या ख्याल है? एक ही बात कहना चाहूँगा, एफ एम वट मीन अभी मैं छत से क्रिकेट खेल के आ गई और मैं गोश्त लेने गया था, गोश्त लेके आ गई हूँ। अब मामा बनाएंगी और मैं खाऊंगा। क्रिकेट खेल के नीचे आ गए हैं और अब मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही है, मैं मोबाइल को चार्जिंग लगाती हूँ और वो लोग व्लॉग और व्लॉग अभी बाकी है, देखते हैं। आपका नाम क्या है? रबर नहीं, रेजर है। रेजर क्या है? ये जैसे वही तो कह रहे हैं, दूध, जलेबी, पुटिन, ये ओवन। मैं मुझसे कैमरे के सामने सारा व्लॉगिंग नहीं कर पाता था, आंखों में आंखें डाल के व्लॉगिंग नहीं मेरे से होती थी, लेकिन अब इतना वो ट्रेन बंदा हो गया हूँ ना, अब आंखों में आंखें डाल के व्लॉगिंग कर सकते हैं हम। और दूसरा ये कि मेरा नेक्स्ट चैलेंज भी आने वाला है। नेक्स्ट चैलेंज मैं आपको बता दूं, दो चैलेंज होंगे, एक होगा स्लैब चैलेंज और एक होगा चूजर ड्रिंक चैलेंज। इन दोनों में से कोई भी एक चैलेंज मेरा पहले आ सकता है, इन दोनों में से पहले देखो कौन सा आता है। तो रात के 10 बज गए हैं और मेरा व्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट डे मैं अभी सो के उठा हूँ,
अभी 2 बज गए और अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने के लिए। मैं जिम पहुंच चुका हूं और मैं अभी जिम में जाके आप लोगों को दिखाता हूं। मेरा जिम ना ऊपर वाले पोर्शन में है और ये रहा मेरा जिम, बहुत प्यारा है। अभी मेरी सारी गेम हो गई है, अभी मैं ट्रेडमिल करने लगा। ये मेरी लास्ट पे होती है ट्रेडमिल, क्योंकि मैंने 15 या 10 मिनट रनिंग करनी होती है 8 की स्पीड पर। तो अब मैं 8 की स्पीड पर रनिंग करूँगा, ये मेरी आखिरी होती है। इससे पहले मैं अपनी सारी गेम लगा चुका हूँ। रनिंग फटाफट ख़त्म करते हैं फिर घर चलें। मेरी सारी गेम मुकम्मल हो गई है और ये मेरा जिम का थोड़ा सा व्यू है, चेक करो यार के बड़ा ज़बरदस्त है। अब मेरी सारी गेम मुकम्मल हो गई है, मैंने सारा ट्रेडमिल, रनिंग, बाइक की गेम सारी गेम कर लिया। मैं पानी पीने लगा और फिर घर चलते हैं। मैंने कहा जाते जाते ना आप लोगों को जिम का थोड़ा और व्यू दिखा दूँ। ये मेरे डंबल शंबल है सारे, ये मैं हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा आगे से फिट हो चुका हूँ। चेक करो यार बड़ा ज़बरदस्त लग रहा हूँ। अब मैं घर वापस जाने को मारा जिम। मैंने एक छोटी सी स्नोकर भी है, ये देखो स्नोकर भी कभी कभी खेल लेते हैं। जिम के बाद मैं मौसमी का जूस पीता हूँ और मैं अपने जूस वाले के पास आ चुका हूँ। ये मेरा मौसमी का जूस आ गया है जो कि बहुत मज़े का था। मैं घर से साथ ये देखो वो एंट्रेंस है, वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी शीट बिछेगी। काया ये है, यहाँ पे हमने ये देखो कारपेट बिछाया है फोन डाल के। यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के कुरान पाक पढ़ेंगे। तो आज पाकिस्तान नीदरलैंड से जीत गया और बहुत ही वर्ल्ड क्लास का मैच हुआ है। 92 का टारगेट था और पाकिस्तान ने 13 ओवरों में कंप्लीट कर लिया। खैर आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो भी मेरी आए चैलेंज होगा, अगली वीडियो स्लैब चैलेंज या चूज़र ड्रिंक चैलेंज, इन दोनों में से कोई एक चैलेंज होगा। खैर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।